नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं ये 5 फूड्स, हो जाए सावधान। दोस्तों, हमारे खान पान में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचा रही है। तो आइए जानते हैं ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है। शरीर को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से लोग कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीज़ों में आयुर्वेदिक काढ़ा, हल्दी वाला दूध के अलावा किचन में मौजूद अन्य कई मसाले भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे खान पान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचा रही है। जानिए ये कौन सी चीज़ें हैं। फास्ट फूड। कई लोगों को फास्ट फूड बेहद पसंद होता है, यहाँ तक कि वे आए दिन बर्गर, चिप्स, पिज्ज़ा के अलावा कई चीज़ें खाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, फास्ट फूड में शुगर का इस्तेमाल होता है और इसमें फाइबर कम मात्रा में होता है। ऐसे में फास्ट फूड का सेवन करना आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकता है। प्रोसेस्ड फूड। बाजार में खाने पीने की कई सारी चीज़ें पैक्ड मिलती हैं। इन पैक्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर सकता है। नमक वाले खाद्य पदार्थ। चिप्स, फास्ट फूड और नमकीन वाले खाद्य पदार्थ भी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इनका ज़्यादा सेवन करना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर खराब असर डालता है। ज़्यादा चीनी खाना। कई लोग चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चीनी का सामान्य से ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी इम्यूनिटी को अंदर से कमज़ोर कर सकता है। इसीलिए अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं तो चीनी का सेवन ना करें। डीप फ्राइड फूड। कुछ लोगों को डीप फ्राइड फूड्स बेहद पसंद होते हैं। मौसम का थोड़ा सा मिजाज बदला नहीं कि कढ़ाई तुरंत गैस पर चढ़ जाती है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।